देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं ग्वालियर जिले के भितरवार में भी कोरोना पीछे नहीं है। यहां अब तक 300 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भितरवार में अब तक 4 मौतें भी हो गई हैं, जिसको लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। उसी को लेकर आज देहात SP जयराज कुबेर ने भितरवार आकर मोर्चा संभाला, जिस पर हमारे संभागीय एड इमरान खान ने जयराज कुबेर से खास बातचीत की। नमस्कार साथियों, मैं इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश से। आज आपको लेके पहुंचा हूं ग्वालियर जिले के तहसील भितरवार में। और यहां पर जैसे कि अभी आपने देखा, ग्वालियर जिले की पहली तहसील भितरवार है जहां पर इतनी कोरोना का जो चेन जो बढ़ी है वो भितरवार में। लगातार रोज के 30 से 35 पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है और मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। रोज़ 1-2 मौतें भितरवार में देखने को आ रही हैं। कल ही जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो भितरवार के ग्राम ईटमा में एक मौत हुई थी और एक मौत की सूचना आज फिर आ रही है, तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है कि आखिरकार कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और जनता कहीं ना कहीं इसको हल्के में ले रही है। तो आज भितरवार में जैसे कि ग्वालियर देहात SP जयराज कुबेर जी भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना पूरा मोर्चा संभाल रखा है भितरवार पुलिस थाने के सामने, अपने भितरवार SDOP भितरवार TI के सामने पूरे बल फोर्स के साथ। आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और ये देखिए सारी गाड़ी जो आ रही हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है और उनको वापस लौटा के और उनको देखो आप कि वापस लौटाया जा रहा है। जैसे कि कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कई चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, उसको लेकर कई तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार एक वो कर रही है कि यहाँ पर कोरोना का ग्राफ कैसे करके घटे, लेकिन यहाँ पर कोरोना ग्राफ घटने का कोई वो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि भितरवार में जैसे कि ये देखिए पूरा फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है और बराबर यही कोशिश ये कर रहा है कि भितरवार में कोई बाहर का आदमी एंट्री ना करे। उसके बावजूद भी क्या है, कैसे क्या कर रहा है, उसकी पूरी जान पहचान का कोई अगर मान लीजिए मरीज आता है, कोई आवश्यक किसान आता है, तो उसको केवल एंट्री दी जा रही है। और जाना जानकारी के लिए हमारे साथ देहात SP जयराज कुबेर जी हमारे साथ हैं, तो हम जयराज कुबेर जी से भी जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात हैं। तो हमारे साथ जयराज कुबेर जी जो देहात SP हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, आपका भितरवार में पहले तो स्वागत है। सर, भितरवार में जैसे कि अगर स्थिति की बात करूं, डबरा हो या भितरवार हो या ग्रामीण क्षेत्र आपका पूरा लगता है, यहां पर कोरोना काफ़ी अपने लाए चैन को काफ़ी ऊँची पहुँच, उसके बाद भी जनता जागरूक नहीं हो रही है और आप देख रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर में हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे, तो ना कहीं सर जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्योंकि आप एक जनता को मैसेज के लिए तो लगातार आप टेलीफोन कर सुनेंगे तो भी जनता से कहा जा रहा है कि फोन घंटे जाती है तो भी कह रहे हैं कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें, घरों में रहें। ये सारी चीज़ें लगातार सतत प्रयास कर रहा है, जनता को खुद आगे आना पड़ेगा, जनता के सहयोग से ही सारी चीज़ें फलीभूत हो पाएंगी। सर, जैसे कि मैं अगर आपके स्टाफ की बात करूं, आपके विभाग की बात करूं, तो काफ़ी फ्रंट लाइन वर्कर अगर कोई है आज की डेट में, तो वो एक पुलिस विभाग ऐसा है जो फ्रंट लाइन वर्कर है जो कि हर मोर्चे के लिए तैयार रहता है। कल जैसे कि साहब भी SP साहब भी पॉजिटिव आए गए, सर आप अपने स्टाफ की और आप अपनी सुरक्षा का कैसे सर मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने को सर अपने स्टाफ को वो दे रहे हैं? सर देखिए, उसमें मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है और उनको भी कहा गया है कि वो अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ, रिश्तेदारियों में शादी विवाह में न जाएँ। वैक्सीनेशन भी कराया गया पुलिसकर्मियों का, तो फिर इसके बाद में होगा तो फिर उसका इलाज कराया जाएगा। सर, जैसे कि कई चेक पोस्ट जो बनाए गए, चेक पोस्ट पे किस कौन से लोगों की एंट्री है, कौन से लोगों को भगाया है, मतलब लौटाया जा रहा है? सर, अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी गाइडलाइन में तो है कि जो कोई मरीज है, अगर किसान है, तो उनको सर बाकी का चेक पोस्ट पर किस तरह सख्ती की गई है? जो अदानी कलेक्टर ग्वालियर का जो आदेश है उसके अंदर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना, हमारे साथ देहात SP जयराज कुबेर जी थे, इन्होंने बताया कि आखिर ये मैं अगर बात करूं पुलिस की, तो पुलिस इस समय फ्रंटलाइन वर्कर है कोरोना में, क्योंकि पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर सारी की सारी जनता को अगर समझा रही तो पुलिस समझा रही है। जनता के लिए अगर खड़ी है कोई मोर्चे पर तो पुलिस खड़ी है। कल ही ग्वालियर SP अमित सांगी जी पॉजिटिव आए थे और आखिरकार पुलिस अब देखते हैं भितरवार में कई जगह जाएगी। हम आपको हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इमरान खान, संभागीय हेड, कैमरामैन कमल साहू के साथ, खबर मध्य प्रदेश।